नमस्कार दोस्तों, आरके मीडिया न्यूज चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज का दिन मैं समझना बड़ा मुबारक देना कि सानू इस गवर्नमेंट स्कूल में आने का मौका मिलया, क्योंकि असी भी छोटे बच्चे सन जब इस स्कूल में पढ़े। स्कूल का जो नाम बड़ा उच्चा किया गया बच्चों वालों, बहुत सारे बच्चे जड़े ने बड़े चंगे अहदों रुतबों से चले जाते हैं, जिन्हां विच कोई PCS, कोई IAS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील बन जाता। इस स्कूल की बड़ी महत्ता होंदी है जिसनों असी गवर्नमेंट स्कूल कहने, क्योंकि इस विचों ही पहला पढ़ के साडे सारे IAS, IPS, PCS जिहड़े अधिकारी बने। साडे विच अज साडे प्रिंसीपल साहब, स्कूल का सारा स्टाफ, जेकर मैं ना लवांगा तो समा थोड़ा वा, गौरव आनंद जी जिहड़े सोसाइटी के प्रधान ने, वरुण आनंद जी जिहड़े प्रधान ने, गौरव जी महाजन जी जिहड़े के वाइस प्रधान ने, डॉक्टर सोहन लाल जी ने, गुरप्रीत रियाल जी ने, साडे विच अमरजीत जई साहब ने, रवि गिल जी ने, होर भी सारे बड़े साडे सोसाइटी के मैंबर जिहड़े के जगह जगह पर सेवा कर रहे हैं। विचार की कि असी क्यों ना उन्होंने बच्चों के नाल एक मिलाप करिए। असी ये ना नहीं दे देना कि शायद असी कोई गरीबी करके दान दी। साडी वेलफेयर सोसाइटी गुरदासपुर आ ये बड़े ही अच्छे कार्यों में जिहड़ी आ लगी हुई आ। ये जिन्हें मैंबर ने साडे सुनील जी ने होर सारे, ये अपना अपना योगदान पाते ने। कई जगह तो वाटर कूलर लाए, बड़े पौधे लाए, बहुत सारे जरूरतमंद लोगों जड़े ने मुहब्बत करने वाला वा। जेकर असी इन स्कूलों की महत्ता वेखीए कि इस स्कूल में असं समझने कि शायद वो बच्चे ही पढ़ते हैं जिन्हों होर कितने कोई टिकाणा नहीं मिलता। बड़े बड़े क्वालिफाइड साढ़े टीचर होंगे ने, MSc, कोई PhD। जेकर असी क्वालिफिकेशन के हिसाब न वेखीए तो ये बच्चों का भविख जरा वा वो तो बड़ा सुनहरी बनना चाहिए। पर असी मापे जड़े इन स्कूलों तो दौड़न की कोशिश करने कि शायद इतने पढ़ाई नहीं हो रही, शायद इतने बच्चों जरा है सही दिशा नहीं मिल रही। लेकिन जिथे मैं एक दसना चाहना बच्चे ने जराबा और कैप्स जरिया बच्चे दी है, ये उपर थोड़ा की कहना है। सब ना पहले बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माई स्टाफ मैंबरस आई वॉन्ट टू थैंक द सोसाइटी। मैनू बिल्कुल भी इस गल च झिझक नहीं है कि चैरिटी वास्ते मैं किसी भी संस्था को, किसी भी NGO को और किसी भी वेलफेयर सोसाइटी को जाके चैरिटी की मांग मैं करता रहना हाँ। और यह एक अज जो उपराला इस वेलफेयर सोसाइटी गुरदासपुर वालों होया है, मैं इसनों एक बहुत ही शलाघायोग कदम समझदा और एक अपने आप दे विच एडवरटाइजमेंट होएगी दूजी NGOs नूं भी और वेलफेयर सोसाइटीज़ नूं कि वो उन्हां दा ध्यान इस स्कूल वाल केंद्रित होवे, क्योंकि ये स्कूल 1860 तो एक बहुत ही पुराना स्कूल चलता आ रहा है जिथों बहुत बहुत महान शख्सियतां पढ़ के बाहर आई ने। इस वेले सरकार वालों सानू कोई एड नहीं मिलती और पिछले दिनों के स्टाफ मैंबरस ने आप पैसे इकट्ठे करके कोई 25-30 हज़ार इकट्ठा करके असी बच्चों जड़ी यूनिफॉर्म अपने को दतिया ने। इतने असी ROs और वाटर कूलर भी अपनी जेब चो पैसे दे के असी वो लगाए ने। तो पर यह है कि स्कूल बहुत वड्डा है और इस दे विच इस तरह की सोसाइटीज़ का नाल साढ़े मिल के कंधे ना कंधा चला जे मिला के चलेंगे तो असी इस स्कूल होर शिखर से पहुँचा सकते। सरकार तो सर तुहाडी की मंग हैगी है जो बच्चों वास्ते है? सरकार तो मंग यही है कि वो समय सिर जिहड़े है बच्चों वर्दियाँ और जो भी सानू फंड्स वगैरह जो भी सानू रिपेयर के फंड चाहिए होंगे, बिल्डिंग क्योंकि पुरानी है तो इस दे विच रिपेयर की बहुत लोड़ पैंदी है तो उदे करके सानू कुछ जिहड़े है फंड्स मुहैया कराए जाण ता जो असी इस बिल्डिंग का रख रखाव भी कर सकीए और प्लस बच्चों के वेलफेयर लिए असी काम कर सकीए। ये स्कूल पढ़ाई दे विच मरहले पार करता आंदा आ रहा है और अगे भी कर रहा है
उहदे नाल नाल स्पोर्ट्स दे विच साडे जूडो दा जिहड़ा है बहुत वड्डा एक विंग चल रहा है प्लस बास्केटबॉल दा जिहदे विच साडे कोल बच्चे ईवन कॉमनवैल्थ विच गोल्ड जीत के आए ने नैशनल च गोल्ड जीत के आए ने हुण और ओलंपिक च बच्चा गया है और इस करके मैं ये तुहाडे राही ये मैसेज पहुँचाना चाहना सोसाइटी दे विच कि इस संस्था वाल जिहड़ा है ध्यान होर भी NGOs दा केंद्रित होवे और सानू वध तों वध जिहड़े फंड्स मुहैया कराए जाण तां जो ये गरीब बच्चे जिहड़े साडे कोल पढ़न आउंदे ने इहनां दी वध तों वध असीं इमदाद कर सकीए। मैं बाकी तुहाडे मीडिया दे थ्रू ये सारे पेरेंट्स नूं और अपनी सोसाइटी नूं ये मैसेज देना चाहुंदा कि अगले जिहड़ा हुण साडा सैशन शुरू होण जा रहा है मार्च तों बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੀਡੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੈਗਸ ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਲਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰ ਪਰਸਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਬੀਕਾਦਰੀ ਚੌਂਕ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੱਛ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਵਾਏ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾੜਾ ਚੌਂਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਕੀ ਸੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡਰਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੌਂਕ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ 40 ਹੋਰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ 'ਤੇ। SSC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ ਘਟੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5th ਤੱਕ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਠੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।